So far, you have learned a lot of things, and I just want to give you a quick uh, breakdown of what you have You have dashboard, you have login, you have install WordPress install. These are not easy things, and as we head on to our new lesson in which you will learn how to add images to your posts and pages, I want to congratulate you. I want to thank you for being a part of this amazing. डी जी स्किल्स कम्युनिटी और याद रखिएगा कि इस डी जी स्किल्स कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए यू कैन ज्वाइन अस ऑन आर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आल्सो नोन एज द एलएमएस दिस इज़ अ कम्युनिटी फॉर यू दिस इज अ कम्युनिटी बाय यू दिस इज़ अ कम्युनिटी ऑफ यू जिधर आप एक दूसरे के साथ कोलेपरेटिव मैनर में डी जी स्किल्स और वर्ड की आ, सारी स्किल्स और फ्री की स्किल्स सीख सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पर आपने कभी सुना है कि अ पिक्चर इज वर्थ मोर देन अ थाउजेंड वर्ड्स ऑब्वियसली सुना होगा क्यों ऐसा कहते हैं क्या रीजन है कि एक इमेज हजार अल्फाज से ज्यादा की कहानी बयान कर सकता है वाई आर इमेज सो इंपॉर्टेंट उसकी कुछ रीजन ये है कि इमेज आर विजुअल्स इमेजेस आर अ विजुअल कनेक्शन to your mind, to your uh, spirit or ye mind or spirit connection that is what makes images so powerful and that's why aap logon ko phones pe pictures lene ka itna So adding images and other document or media such as files, videos or PDF, इज़ एक्सट्रीमली ईजी विद इन वर्ड प्रेस बहुत ही आसान तरीके से आप ये फाइल्स वर्ड प्रेस में एड कर सकते हैं जिसके तरीके हम आपको आगे जाके बताएंगे इट्स वेरी ईजी मीडिया लाइब्रेरी इज दैट सेंट्रल रिपोजिटरी विच हेल्प्स यू मैनेज इमेज एंड अदर फाइल्स तो वर्ड प्रेस में आप जहाँ ये सारी फाइल्स को मैनेज करेंगे उसे हम मीडिया लाइब्रेरी कहते हैं और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आगे एक्सप्लोर करेंगे सो नाउ द क्वेश्चन इज नाउ द वेरी सिंपल एंड वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन इज के आप इमेज को या आप पिक्चर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं वर्ड में हाउ कैन यू ईजीली इंसर्ट और एड इमेज बिकॉज अगेन इमेज आर वर्थ मोर देन अ थाउजेंड वर्ड्स सो दे आर टू ईजी वेज टू डू दिस वर्ड प्रेस आपको ये फंक्शनैलिटी देता है कि आप दो आसान तरीकों से वर्ड प्रेस में इमेज ऐड कर सकते हैं और इन तरीकों के अलावा भी देर आर फार मोर वेज बट वी वॉन्ट टू टेल यू द ईजीएसट ऑफ वेज तो उसमें से एक सिंपल तरीका इज थ्रू द एड मीडिया बटन जब भी आप वर्ड प्रेस की कोई भी पोस्ट खोलेंगे या कोई भी पेज खोलेंगे या कोई भी एक कस्टम पोस्ट खोलेंगे आपको वहां पे एड मीडिया का एक बटन नज़र आएगा दिस बटन इज़ योर विंडो इज योर ऑपरचुनिटी टू एड एनी थिंग स्पेशली इमेज टू वर्ड प्रेस सो ये तो हो गया एक तरीका बड़ा सिंपल बड़ा ईजी है एड मीडिया का जो बटन है वो आपने देखना है उस बटन को देखते ही आपने क्लिक करना है एंड फ्रॉम देयर यू कैन ऐड इमेजेस लेकिन एक दूसरा तरीका है ये वर्डप्रेस में फंक्शनैलिटी अभी रिसेंटली आई है दैट फंक्शनैलिटी allows you to simply drag and drop images from your uh, Windows folder directly onto WordPress. So, very simple way, you will click on the image, you will click on the image, you will drag it, and from there, you will be able to add those images. So, now the question is, कि जब आप एड मीडिया का बटन क्लिक करते हैं तो आपको क्या नजर आता है तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ भी रहा होगा एक यू विल सी अ डायलॉग बॉक्स विच सेज इंसर्ट मीडिया और ये जो डायलॉग बॉक्स है इट हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शन बट एसेंशियली वट इट्स आस्किंग यू टू डू इज़ कि अगर आप किसी भी तरह का कोई एक इमेज ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से ही ब्राउज करके इमेज को भी ऐड कर सकते हैं सो दिस इज दी ऑपर्चुनिटी दैट यू हैव ऑफ एडिंग इमेज टू वर्ड प्रेस सो आपके जेहन में एक क्वेश्चन जो शायद आया होगा और बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे साथ साथ और उनका हम जवाब भी देंगे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन भी करेंगे वन क्वेश्चन इज कैन आई अपलोड इमेज ऑफ एनी साइज क्या मैं किसी भी साइज का एक इमेज अपलोड कर सकता हूँ सो so, इसका जवाब वैसे तो है येस yes, लेकिन आपने ख्याल करना है कि जो भी होस्टिंग आप यूज कर रहे हैं उसका एक इमेज का मैक्सिमम फाइल साइज होगा जिससे बड़ा इमेज आप अपलोड नहीं कर सकेंगे तो यू हैव टू कीप दैट मैक्सिमम लिमिट इन माइंड वन एग्जांपल इज कि अगर आप कोई छः या सात एम का इमेज अपलोड करने लगे हैं सो so शायद वो हो जाए लेकिन अगर आप कोई बीस एम का इमेज अपलोड करने लगे तो वो नहीं होगा और अगर हो भी गया दैट विल नॉट बी गुड बिकॉज इट विल यूज सर्वर रिसोर्सेज तो इसका थोड़ा ख्याल रखें इमेज को कम्प्रेस कर लें और छोटे इमेज को ऐड करें एन अदर क्वेश्चन इज कैन आई अपलोड एन इमेज ऑफ एनी फॉर्मैट वर्ड प्रेस कुछ मेजर फॉर्मेट्स हैं टी एन जी जे पैग जिनको और, और भी दो तीन है जिनको वो सपोर्ट करता है सो मेक श्योर यू अपलोड इमेज विच आर ओनली ऑफ अ सर्टन फॉर्मैट जब आप इमेज अपलोड कर लेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स शो होगा विच इज़ वेरी विजिबल टू यू हीयर और आपको भी हम लाइव भी दिखाएंगे दैट डायलॉग बॉक्स विल गिव यू ऑप्शन ऑफ एडिटिंग एंड सीन के क्या क्या इमेज में वो चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल करना चाहिए सो नाओ वी विल एड इन इमेज टू वर्ल्ड प्रेस सो मेरे साथ रहिएगा हम लॉग इन करेंगे डी जी स्किल साद हामिद डॉट जीरो ज़ीरो ज़ीरो वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम हम साइट खोलेंगे और साइट खोलते ही हम इस पर लॉग इन करना चाहेंगे सो so, जैसे ही लॉग इन करेंगे हमें क्या नज़र आएगा डैशबोर्ड एंड व्हाट आई कैन डू इज के आई कैन क्रिएट अ न्यू पोस्ट राइट फ्रॉम हियर मैं न्यू पे जाता हूँ टूल बार को यूज़ करते हुए एंड विल क्लिक ऑन पोस्ट पोस्ट का बटन मैं दबाऊँगा तो एक नई पोस्ट मेरे सामने खुल जाएगी और इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ सो नाउ यू कैन सी कि हमने अपने पिछले लेसन में याद होगा आपको टाइनी एम इंस्टॉल किया था उसकी वजह से हमारा टूल बार थोड़ा सा इनहैंस हो गया था सो वट आई क्विकली डू इज आई डिसेबल टाइनी एम मैं क्यों इसको डिसेबल कर रहा हूँ सो यू कैन सी वट पोस्ट लुक्स लाइक विदाउट द टाइनी एम सी टूल बार और मैं और भी प्लग को डीएक्टिवेट करूंगा सो यू कैन ओनली सी कि हम इस वक्त क्या चीज़ ऐड करने जा रहे हैं तो so नई पोस्ट पर क्लिक करूँगा अब आप देख रहे हैं कि वर्ड का पुराना टूल बार यहाँ पे वापस आ गया है आई हैव ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग अ पोस्ट एंड आई कैन जस्ट से दिस इज एन इमेज पोस्ट एंड हीयर आई हैव दप्शन ऑफ क्लिकिंग ऑन एड मीडिया तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ऐड मीडिया पे क्लिक किया है मेरे पास एक विंडो खुल गई है दिस विंडो अलाउज़ मी टू अपलोड एनी काइंड ऑफ फाइल और एनी काइंड ऑफ इमेज कुछ तरीक़े हैं। एक तरीका ये कि मैं मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक कर सकता हूँ टू सी कि अगर कोई इमेज ऑलरेडी एड हुआ हुआ है तो उसको मैं कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ कैन आई अपलोड न्यू इमेजेस सो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है टू सेलेक्ट फाइल्स वाई जस्ट क्लिक सेलेक्ट मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊंगा डेस्कटॉप पे मैंने फाइल्स के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है एंड वहाँ से जो मुझे लेटेस्ट इमेज अवेलेबल है मैं उसको अपलोड पे क्लिक करूँगा एंड यू सी दैट नाउ इट्स बींग अपलोडेड लाइव एंड इट हैज़ जस्ट बिन अपलोडेड और इस अपलोड के बाद मेरे पास राइट पे कुछ ऑप्शंस uh, भी आ गई जिनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड ऑटोमैटिकली दैट इमेज हैज़ मूव्ड फ्राम अपलोड फाइल्स टू द मीडिया लाइब्रेरी क्लिक ऑन इंसर्ट एंड आप देखेंगे कि वो मुझे लाइव यहाँ पर अब नज़र आ रहा है कि इमेज इंसर्ट हो गया है सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट एंड ईजी वेज टू एड एन इमेज इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो आई कैन क्लिक ऑन एड मीडिया अगेन अब आप देखेंगे वो मुझे मीडिया लाइब्रेरी में शो कर रहा है कि कौन कौन से इमेजेज हैं जो यहाँ पे ऐड हुए हुए हैं सो वट आई कैन सिंपली डू एज आई कैन सिंपली क्लिक ऑन अ प्रीवियस इमेज जो कि ऑलरेडी अपलोडेड था और उसको यूज़ करते हुए आई कैन जिस क्लिक ऑन इंसर्ट इंटू पोस्ट जैसे ही मैंने इंसर्ट इं टू पोस्ट किया आप देखेंगे कि वो इमेज सामने एड हो गया एंड जस्ट टू गिव यू अ क्विक आइडिया कि ये इमेज सामने दिखता कैसा है

Wo upload ho gaya. and again i click on insert and after clicking on insert i click save draft and i will see ka image dubara ad ho gaya, and you can see it in the forefront as well but i want to do something more now i want to add multiple images at once and that i can again do with wordpress स्ट क्लिक ऑन फाइल्स विंडोज के यहाँ पे और आपका जो भी एक फोल्डर है जिसमें आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं तो मैं आपके सामने आई वॉन्ट टू एड मल्टीपल इमेजेस तो मैं सारों को ड्रैग करूंगा और मैं ड्रॉप पे क्लिक करूंगा एंड यू विल सी ऑटोमेटिकली वर्ड प्रेस विल रेकग्नाइज एंड प्रेस विल एड ऑल दो इमेजेस सो इसमें यही हमारा साथ रहा इन अंडरस्टैंडिंग कि आप वर्ड में इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं विल बी डूइंग मोर इन फ्यूचर लेसन्स हमारे साथ रहिएगा